लगा के इसको अच्छी तरीके से जो कट हमने दिए हैं उसमें भी थोड़ा सा फिंगर की मदद से हम इसको मल देंगे तो उसका जो जायका है नमक का वो अच्छी तरीके से उसके अंदर आ जाएगा. और उसके बाद हमने करना यह है कि ऑयल एक तरफ हमारा जो रखा है पैन पे वो गर्म होना चाहिए, सिजलिंग जिसको कहते हैं गर्म खोलता हुआ, और उसके अंदर हमने इसको कर लेना है डीप फ्राई. डीप फ्राई का मैं बताता चलूँ अपने देखने वालों को कि इसको गलाने की हमें वो नहीं है, हमने सिर्फ ऊपर का जो फ्लेम है उसको कलर देना है. उसे कलर के लिए हमने इस तरीके से वन बाय वन करके पीस उठाने और ये देखें एक एक पीस हमने फ्राई करना है. अगर मिसाल के तौर पे इस स्टेज पे कढ़ाई का हमारा साइज और ऑयल की जो क्वांटिटी इसके अंदर मौजूद है, अगर हम पूरी चिकन इसमें डाल दें या दोनों पीस एक साथ डाल दें तो ऑयल का जो हीट प्रेशर है, जो टेम्परेचर है, वो बहुत जल्दी नीचे गिर जाएगा और उसके बाद फिर इसी चीज़ को फ्राई करने में आपको टाइम लगेगा और वो लुक भी नहीं आ पाएगी जो हमें रिक्वायर्ड है इस मुर्ग मुसल्लम के लिए. अच्छा, इसी के साथ ये दूसरी भी, और उसी के साथ साथ हम तैयारी करते हैं अपनी इसकी ग्रेवी की. तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ चंद ग्रीन चिल्ली, गार्निश के लिए एक अदद टमाटो और बहुत ज़्यादा इसको हमने नहीं पकाना है, ये याद रहे. सिर्फ हमने इसका जो ऊपर की लेयर है यानी कि चिकन का ऊपरी हिस्सा जो है उसको ब्राउन कलर में देना है, यानी कि कलर उसका आ जाए. इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे और शुरू करते हैं इसकी वेजिटेबल यानी कि इसकी जो ग्रेवी बनेगी उसका स्टाइल. इतनी देर में हमारी चिकन फ्राई हो रही है, हम क्यों ना अपनी जो वेजिटेबल इसकी काटनी है मुर्ग मुसल्लम के लिहाज से जो इसमें ग्रेवी हमने बनानी है वो. उसके लिए एक अदद दरमियाना प्याज हमने ले लेना है और दरमियाना प्याज लेके उसको बहुत बारीक यानी कि थिन स्लाइसेस ये देखें थिन स्लाइसेस हमने इसके काट लेने हैं ताकि जब ये प्याज हमारी इस ग्रेवी में सॉस में पके तो एक अच्छी पकाने के बाद ये प्याज हमें नज़र भी ना आए. और साथ साथ जो पीस हमने इसमें ऐड करा था उसको भी थोड़ा सा देख लेना है कि कलर उसका गोल्डन कलर में चाहिए हमें ये चिकन. इसके अंदर से गलने की हमें परवाह नहीं होनी चाहिए,